मेरे प्रियो, मेरे हाथ में क्या दिख रहा है? ये आम है ना। तो आम से हम कुछ सीखना चाह रहे हैं, आज जा रहे हैं। क्या हमें बताती है इस समाज में ये आम? आम जब हम खाते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, गुठली को निकाल के फेंक देते हैं। तो ऐसे कुछ स्वार्थी लोग होंगे आपके जीवन में, आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों के बीच में, जो आपका उपयोग करेंगे आम की तरह, गुठली की नाई। जब आपकी जरूरत हो जाएंगे, जब आपसे वो स्क्वीज कर लेंगे, चूस लेंगे आपका, वो जो भी है, पैसे है, पद है, प्रभाव है, प्रतिष्ठा है, फायदा उठा लेंगे वो, उस बाप क्या करेंगे? फेंक देंगे जैसे गुठली को फेंक देते हैं। बाइबल बताती है अंत के दिनों में, दूसरा तिमोथी 3:1-3 वचन कहता है मेरे प्रियो कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। लोग स्वार्थी बन जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, अपने ही हित की वो चिंता करेंगे। बाइबल में से आप पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो कि ओ कितना सुंदर ये वचन हमें बताता है कि हम बिल्कुल सावधान रहें। लोग स्वार्थी हो जाएंगे, चूस के वो फेंक देंगे। दे विल यूज एंड थ्रो यू। मेरे जवान भाई, मेरी जवान बहनों, अपने जीवन का, अपने शरीर आपका, आपका नहीं, पवित्र आत्मा का मंदिर है। यीशु ने उसे खरीदा है। 1 Corinthians 3:16-17 में दिया हुआ है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो उसे नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। मेरे प्रियो, लोग अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं, मसीह यीशु के खोज में नहीं रहते, अपने ही स्वार्थ। उनका जो परमेश्वर है, उनका जो ईश्वर है, वो उनका पेट है, खाना है, फायदा उठाना है, फिलिप्पी 3:19 में। और लोग अपने ही हित की खोज में रहते हैं, स्वार्थी रहते हैं। दे सीक देयर ओन, नॉट द थिंग्स विच आर ऑफ क्राइस्ट जीसस। फिलिपियों की किताब 2:21 में लिखा हुआ है, यहूदा 1:12 में लिखा हुआ है, वो अपनी ही सेवा कर रहे हैं, किसी दूसरों की, उसकी हित की चिंता नहीं। परंतु यीशु मसीह का क्या स्वभाव था? वो दूसरों की चिंता करता था। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ, तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा हो। जब उसने जरूरतमंद को देखा, अंधे को देखा, उसको आंखें दी, कोढ़ी को देखा, उसको वो शुद्ध कर दिया, उसके कोढ़ को शुद्ध कर दिया, ठीक कर दिया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी। मेरे प्रियो, यीशु ऐसे ही सामर्थ देगा आपको प्यार करने के लिए। मगर ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे स्वार्थी लोगों से। दे स्ट्रेच यू, स्क्वीज यू, योर रिसोर्सेस, एंड लीव यू एंड इग्नोर यू। सावधान रहें। दे विल स्क्वीज यू, दे विल सक योर रिसोर्सेस, इन्फ्लुएंस, स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू हैव देयर ओन वर्क डन, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, फॉर देयर एडवांटेज। दे विल यूज यू एंड थ्रो यू, जैसे आम को खा के उसकी गुठली को फेंक देते हैं, आपको भी ऐसे ही करेंगे। वो फायदा उठा लेंगे और भूल जाएंगे। मेरे साथ हॉस्टल में जब मैं रहता था, तो मेरा एक सीनियर था, उसका एक हमारे क्लासमेट, एक लड़की थी हमारे क्लास में पढ़ती थी, उसके साथ उसका अफेयर हो गया और फिजिकल रिलेशन हुआ, शारीरिक संबंध हुआ मेरे प्रयोग, और वो गर्भवती हो गई। तो वो बताई अपने लवर को, हमारे जो सीनियर हैं, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे शादी करो। उसने कहा, नहीं, अभी तो पढ़ने की उम्र है, नहीं, शादी मैं नहीं करूँगा। और वो इतनी दुखी, निराश हो गई, उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद वो लड़का तो बच गया, क्योंकि उसने कुछ, लड़की ने नहीं, कुछ कारण लिखा था, मैं किसके कारण सुसाइड कर रही हूँ, वो बच गया। अब 1-2 साल बीतने के बाद वो और दूसरी लड़कियों से प्रेम संबंध स्थापित करने लगा, उनसे इश्क करने लगा। मेरे प्रियो, क्या आप चाहते हैं आपका जीवन भी ऐसे ही बर्बाद हो जाए?
कई जवान लड़के लड़की लड़कियां बताती हैं, वो उसने हम मेरे से बड़े मधुर बड़े ओ प्यार भरे शब्दों से बात की, मैंने उसे अपना शरीर सौंप दिया और अब उसे मुझे उसने धोखा दे दिया, उसने मुझे आम की तरह हो मेरे शरीर को उपयोग करके उसको मेरे को छोड़ दिया, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी वर्जिनिटी खराब कर दी, नष्ट कर दी, मेरा कुंवारीपना। हाय, सावधान रहे ऐसे स्वार्थी लोगों से जो मुंह में बड़ी शहद जैसी प्यार भरी बातें करेंगे परंतु वो धोखेबाज है, वो मुखौटा पहने हुए हैं। नहीं, उनसे आपका आपसे उनको प्यार नहीं, आपके शरीर से उनको अपने शरीर से प्यार है, अपनी कामुकता अपनी इच्छा शारीरिक अभिलाषाओं को आपके ऊपर आपके शरीर में वो पूरा करना चाहते हैं। सावधान, सतर्क रहें, आम की तरह ना हो आपका जीवन की लोगों ने वो चूस के भी गुठली को फेंक दिया, ना आपका जीवन अनमोल है, इट्स प्रेशियस वैल्यूएबल कीमती है, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे जवान भाई मेरी जवान बहन, इसे पवित्र रखें, यीशु ने अपने खून से आपको खरीदा है, यू आर प्रेशियस, यू आर होली, पवित्रता बनाए रखें, पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करें। हम ओ चेहरे को सजाते हैं, पाउडर क्रीम लगाते हैं, यीशु एक सुंदरता ढूंढ रहा है, पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की हमको क्या करना है, उपासना करना है। ओ यस, क्या आप तैयार हैं उपासना करने के लिए, पवित्रता से शोभायमान होकर? मेरे प्रियो, आइए पवित्रता से शोभायमान होकर, हालेलुया। ओ भजन संहिता 29:2 में लिखा हुआ है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। और भजन संहिता 96 और उसका 9वें वचन में भी यही बात लिखी हुई है। मेरे प्रिय, आइए खुलते हैं भजन संहिता 96 और उसका 9वां वचन, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो, क्योंकि आप अनमोल हैं, आप कीमती हैं, यीशु ने आपको अपने खून से खरीदा है। मेरे प्रियो, आप अकेले नहीं हैं, आपका जीवन कीमती है, ये जवानी फिर से नहीं आएगी, हालेलुया। यस, ओ आपको दाम लेके, यू हैव बीन बॉट विथ ए प्राइस, और वो क्या प्राइस है, वो कीमत क्या है, यीशु का निष्पाप निष्कलंक कीमती लहू, यू हैव बीन परचेज बाय द प्योर पावरफुल प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। पहला कुरंथियों 6वां अध्याय और उसका 19वां और 20वां वचन कहता है, हालेलुया, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आप हो सकता है आपको वो दूसरा पुरुष पराया पुरुष अच्छा लगता हो, बड़ा प्रेम दिखाता हो, बड़ा परवाह करता हो, पराई स्त्री आपको खाना बनाती हो, बड़ा प्यार से वो परवाह करती हो, अच्छा अच्छा खाना, याद रखिए वो ट्रैप हो सकता है। वो जैसा पक्षी को वो पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, एक प्रकार का खाना जाल हो सकता है वो पराई स्त्री, वो पराया पुरुष। सावधान रहिए, आपका घर बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा, आपके बच्चे हो उनका जीवन नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। सावधान रहें, व्यभिचार से गलत संबंधों से बचे रहें, अवैध संबंधों से बचे रहें। यीशु आपको प्यार करता है, पसंद करता है, प्यार करता है, पवित्रता से शोभायमान होकर ओ उसकी आराधना करें, उसको प्यार करें। व्यवस्था 22वां अध्याय 32वें वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया, वो आपको पवित्र करेगा, वो आपको पवित्र करेगा, क्योंकि वो पवित्र है। पहला पत्रस 1:16 में लिखा हुआ है, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ।
बी होली बिकॉज आई एम योर गॉड इज होली. याद रखिए, सिन विल ब्रिंग शेम सॉरो सिकनेस. जो पाप है वो शर्म को, दुखों को और बीमारियों को लाएगा, परंतु होलीनेस पवित्रता विल ब्रिंग हैप्पीनेस ऑनर हायर पोजिशन. जो पवित्रता है वो उन्नति को, बढ़ोतरी को, खुशी को, आनंद को लाएगी. आपका पद ऊंचा किया जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा ऊंची की जाएगी, क्योंकि यीशु प्यार करता है, पसंद करता है. वो आपको पवित्र बनने की शक्ति देगा. मांग ले, उसने कहा है रोमियो 6:14 में, तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो. मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, यीशु सामर्थ देगा पाप पर विजय होने की. हालेलुया. ले 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 ले. रिसीव रिसीव द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस. वो उपहार ले ले धार्मिकता का, पवित्रता का. हालेलुया. यस 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 यस. पवित्र बनाने वाली पवित्र आत्मा बह रही है. ओ शक्ति देने वाली पवित्र आत्मा बह रही है. सामर्थ देने वाली पवित्र आत्मा बह रही है. द होली स्पिरिट पावर इज मूविंग मूविंग मूविंग. थैंक यू जीसस. यीशु आप सबको आशीष दे. आमीन आमीन.